स्वीकार किया, इसीलिए ये हमने अपने मन और सोच के साथ ये हमने सारी चीजें अचीव की हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि दिव्यांग व्यक्ति ही पेपर सेंच लगा देते हैं, वो सहानुभूति के अवसर बना देते हैं कि वो कहते हैं वो कुछ नहीं कर सकते। मैं कहता हूं कि किसी भी कार्य को अच्छा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर अपना मुकाम हासिल करने के लिए दिव्यांग और सामान्य सभी एक समान होते हैं। बस अर्थ है हमें दिव्यांग लोगों को सहानुभूति नहीं सम्मान और अवसर देने की जरूरत है। जब हम सम्मान और अवसर देंगे तो चाहे दिव्यांग ही नहीं और भी व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर अपने जो स्किल है उसको दिखाएगा। और साथ में जो दिव्यांगता की जो बात है, दिव्यांगता आगे बढ़ने के लिए कोई जीवन में बाधा नहीं होती है। अपना दृढ़ संकल्प और सोच और मन जब हम आगे करेंगे तो कोई भी प्रकार की परेशानियां दिव्यांगता में नहीं आती। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेरी दिव्यांगता है दोनों पैरों से मैं 70% डिसेबल हूं, ये मेरी ताकत नहीं है, ये मेरी पावर है। दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, दिस इज माई सुपर पावर, हैव ए मेड टू लाइफ। सो आप सभी जो जितने भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं, आप अपनी पावर को बनाएं और आगे बढ़ें और अपने गोल को प्राप्त करें। क्योंकि मेरे हर अचीव को प्राप्त करने के लिए अपनी तमन्ना सच्ची रखनी होगी। मैं कहता हूं जिसकी तमन्ना सच्ची है उसको रास्ते मिल जाते हैं, जिसकी तमन्ना सच्ची नहीं है उसे बहाने मिल जाते हैं। आप किसी भी प्रॉब्लम को रोना ना रोएं, क्योंकि रोना रोने से आपको सहानुभूति मिल सकती है, मगर आपने अपनी कमी को ताकत बना लिया तो आप ही नहीं, आपके परिवार ही नहीं, आपका देश ही, आपका प्रदेश ही नहीं, आपका देश आप पर गर्व करेगा। ऐसे बातों को मैं ध्यान में रख आपको कहता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।